जल्दी चीजें हम लोग ना शुरू कर देते हैं। एक टूर्नामेंट कोई जीतेगा तो उसको कैप्टन बना दे, दूसरा जीतेगा तो उसको बना दे। मुझे नहीं लगता ऐसी चीजें होनी चाहिए। एज ए नेशन हम इमोशनल कौम है, जब हमें रिजल्ट मिलते हैं तो हम ऊपर चले जाते हैं, जब हमें रिजल्ट नहीं मिलते तो हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, जिगजैग होते रहते हैं। रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा एटीट्यूड हंगर है उसको हमने दिखाना है ग्राउंड में। मेरी बात करें तो मुझे एज ए बॉलर स्टिल इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस स्टेज पे भी खेल रहे हो तो आपको प्रूव करना पड़ता है, एक्स्ट्रा बर्डन होता है जब आप एक्सपीरियंस प्लेयर होते हो। कुछ बातें ठीक भी हैं कि हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, कुछ बातें यहाँ ये है कि ऐसा तो नहीं है कि अगर एक कप्तान की बात की जाए तो उसको तो हमने बहुत मौका दिया ना, बिकॉज मेन प्लेयर भी थे तो मौका बाबर आजम तो बाबर आजम तो 2019 से कप्तान हाँ। है। शादाब ने भी यही बात की, इफ्तिखार ने भी यही बात की कि मीडिया एक दो इनिंग पे चढ़ा देता है, उन्हें अपनी पोजीशन खतरे में नजर आ रही है ना, कि अब्दुल समद की बहुत तारीफ हो गई तो इफ्तिखार को अपनी पोजीशन खतरे में नजर आ रही है। तो भाई यही मीडिया आपको भी टीम में लाता है, और यही मीडिया जब आप खराब परफॉर्म करते हैं तो आपको टीम से भी निकलवाता है, लेकिन फैसला मीडिया नहीं करता किसी भी प्लेयर को लेने का, आपकी परफॉर्मेंस पे होता है और ये सिलेक्शन कमेटी करती है। जितना मीडिया जिम्मेदार है उतना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी भी जिम्मेदार है। शादाब का और इफ्तिखार का ये कहना बिल्कुल वन साइडेड ओपिनियन है, अगर हिम्मत है दम बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी का भी नाम ले ना। पहले हम दिखा देते ना कि इफ्तिखार ने क्या कहा, फिर उसके बाद बाबर की जगह पकड़नी है, इन मैदान में उसने परफॉर्म करना है। आप लोगों को भी यही कहता हूँ, किसी को एक इनिंग्स पे इतना लूपर लेके जाते हो, उनको डोमेस्टिक में टॉप करने दो, फिर आप पाकिस्तान के लिए बात करो। एक इनिंग्स पे आप लोग इधर लेके जाते हो, जब वहाँ पे वो पाकिस्तान में फेल हो जाए तो ये कहाँ से लाए हो। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो। वनडे के लिए थोड़ा और भी बेहतर विकेट बनाना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया आप 400 के लिए सोच दे, हमारा स्ट्राइक रेट ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे कम है, यहाँ से वो प्रिपरेशन शुरू होती, फिर जाके कॉन्फिडेंस आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप डिलीवर करते हो। इस बात में जो सबसे कमाल की बात ये है ना कि अगर एक आध परफॉर्मेंस पे ना लोगों को स्टार बनाया जाए तो इफ्तिखार पाकिस्तान टीम में ना होते, क्योंकि एक दो परफॉर्मेंस पर ही है। के लिए तो मुझे सबसे पहले बासित अली ने कहा था कि ये लिस्ट ए का बहुत अच्छा प्लेयर है, जब बासित अली कोचिंग कर रहे थे, और हमने हमेशा ये कहा कि वो लिस्ट ए का बहुत अच्छा प्लेयर है, उसे मौका मिलना चाहिए। तो मीडिया ही कहता है, जब आप फिर सिलेक्शन कमेटी उसका नोटिस लेती है, लेकिन वो मीडिया, हम उस मीडिया का हिस्सा नहीं है जो एक आध इनिंग पे किसी को स्टार बना देता। मैंने हमेशा और हम अपने प्रोग्रामों में भी हमेशा ये कहा है कि एक प्लेयर ने अगर एक डोमेस्टिक सीजन में अच्छा स्कोर किया है पूरे डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, तो उसको पहले ए टीम में डालें, फिर उस ए टीम में अगर वो अच्छा स्कोर करे तो फिर वो पाकिस्तान टीम में डालें, और एक से दो सीजन में जरूर देखें। हो सकता है एक ही सीजन में उसका सही लग गया हो, कोई अच्छा इनफॉर्म हो, पर्पल पैच हो, और अगले सीजन में वो बिल्कुल भी कुछ ना करे। तो जितना मीडिया बनाता है और जितना मीडिया बिगाड़ता है, उसमें साथ साथ सिलेक्शन कमेटी का भी कसूर होता है।